नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए लेके आया हूं रोज की तरह आज का करंट अफेयर यानी कि 19 मार्च के करंट अफेयर। इसमें हम देखेंगे उन सारी विशेष बातों को, उन सारे विशेष खबरों को जो घटी हैं, और इसके साथ ही हम अंतिम में 2 मिनट में ये देखेंगे बहुत विभिन्न सारे प्रश्नों का क्विज करेंगे ताकि आपके परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाएं। तो देर न करते हुए हम आज के करंट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन पुश कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो आपको पता चले, तुरंत पता चले। तो आते हैं आज की करंट अफेयर्स पे। आज की अगर हम पहली खबर की बात करें तो पहला खबर है कि मत्स्य विभाग के लिए नाविक मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। नाविक मैसेजिंग सिस्टम, नाविक आप सभी लोग जानते हो कि इंडियन जीपीएस सिस्टम है। इसके अंतर्गत क्या है, हम खबर देखते हैं कि अंतरिक्ष विभाग ने संसद में बताया कि इसरो ने नाविक मैसेजिंग सिस्टम और रिसीवर डिज़ाइन किया है। यह प्रणाली वर्तमान में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि इनकॉइस जिसे कहते हैं द्वारा उपयोग की जा रही है। अगर हम इस प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली का जो इस्तेमाल होता है वो सुनामी हुआ चक्रवात हुआ ऊंची लहरों जैसे मामलों में आपातकालीन चेतावनी संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें तो अभी तक 5 उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है इसरो के द्वारा, उनमें से एक जो है हमारा मत्स्य विभाग है। इसरो ने अब तक तमिलनाडु और केरल राज्यों में तटीय मछुआरों को इस सिस्टम की 250 इकाइयां वितरित कर दी हैं। अगर हम परीक्षा फैक्ट प्लस की बात करें कि आपके परीक्षा के लिए ये खबर कितना उपयोगी हो सकती है, आप विभिन्न कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यूपी ट्रिपलसी का कोई दे रहे हो, यूपीएसआई आपका लगा हुआ है उसमें प्रश्न पूछ सकता है, या आपका यूपीपीसीएस प्री लगा हुआ है, अभी बीईओ का पेपर लगा हुआ है, हालांकि बीओ में तो नहीं आएगा क्योंकि पेपर अभी तक बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी यूपीपीएससी के और भी जो प्रश्न, इस आयोग के और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आ सकता है, यूपीएसआई में आ सकता है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में, इवन केंद्रीय लेवल में एसएससी बैंक में भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या है IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक रियल टाइम पोजिशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध करवाती है। यह भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में कार्य करती है। कुछ जगह आपको ये 1500 किलोमीटर की जगह 1600 किलोमीटर भी मिल जाएगा, हालांकि अगर ऑप्शन में 1500 किलोमीटर रहता है तो 1500 ही सटीक होगा आपका विकल्प। नाविक क्या है, नाविक इंडियन जीपीएस सिस्टम है। ये खासकर इंडिया के लिए किया गया है डेवलप, और अगर ये बात करें तो अमेरिका के जीपीएस से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर हम इंडिया के रेंज की बात करें, ये भारत और भारत की सीमाओं के 1500 किलोमीटर के रेडियस तक की आपकी सारी पोजिशनिंग सिस्टम का काम करता है। नाविक में 2 स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक तो आपका होता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जिसके अंतर्गत नागरिक उपयोग के लिए किया जाता है, और दूसरा होता है सीमित सेवा यानी कि ये सेना सीमित कुछ विशेष यूजर्स को प्रदान करती हैं। नाविक सिस्टम की बात करें तो अभी तक इसमें कुल उपग्रह 7 हैं, लेकिन इसमें बढ़ाकर 11 की करने की बात की जा रही है। नाविक का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अगर हम इसके बात करें कि कब ये लॉन्च किया गया था, तो ये सबसे पहले 1 जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया था, हालांकि तब ये विफल हो गया था। उसके बाद दोबारा से ये 12 अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट खबर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर आपका क्या है, नेक्स्ट खबर कह रहा है कि भारत का आधुनिक गर्भ निरोधक उपयोग 47.8% है। ये NFHS 4 की रिपोर्ट है। NFHS 4 2015-16 के अनुसार भारत का आधुनिक गर्भ निरोधक उपयोग जो है वो 47.8% है, और अगर हम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, कुल 69.4% जो प्रथम स्थान पे है। इसके बाद पंजाब का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर पुदुचेरी, फिर हरियाणा। आप सभी लोग जानते हो कि जो यूपी और जैसे बिहार ये सब सटे राज्य हैं, ये कुल मिला के 44% पॉपुलेशन तो इंडिया का यही शेयर करते हैं, और इनके लिए बहुत खास खास परियोजनाएं भी लाई गई थी जैसे हम देख लेते हैं, जो परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं। तो आधुनिक गर्भ निरोधक की उपलब्धता, जागरूकता और उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो अभी तक उठाए गए कदम हैं, उपाय हैं जो लाए गए हैं, उनके बारे में कुछ विवरण हम देखते हैं। यहाँ पे 2016 में 10 नवंबर 2016 को एक मिशन लाया गया था, मिशन परिवार विकास। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य जो था वो परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए था। मतलब दूरगामी जो भी क्षेत्र हैं उन्हें जितने भी ये सेवाएं होती हैं उन सबको आसानी से पहुंचाया जा सके।
तो उसके लिए मिशन परिवार विकास लाया गया था। कहाँ पे ये लागू हुआ था? ये कुल मिलाकर 146 जिलों में लागू हुआ था। ये 146 जिले कुल 7 राज्यों के अंदर आते थे। और ये राज्य कौन से थे जिनका TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी जो रेट स्कोर था वो 3 या 3 से अधिक था? ऐसे राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। और यही सब ये 7 राज्य मिलकर 44% पॉपुलेशन आज भी शेयर करते हैं टोटल इंडिया के। डिलीवरी के तुरंत बाद एक प्रोग्राम लाया गया IUCD सम्मिलित किया कि एक नई विधि यानी पोस्टमार्टम IUCD PPI UCD को 2010 में पेश किया गया था इसी के लिए। पर और दूसरा अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन लॉजिस्टिक प्रबंधन की सूचना प्रणाली, ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर था जो स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण की सुनिश्चित करने के लिए 2017 में शुरू किया गया था। इसके साथ ही 2017 में जो आपका मिशन परिवार विकास था उसके साथ ही क्लिनिकल आउटरीच टीम्स की एक योजना लाया गया था, जो क्या था कि जो दूर दराज, गैर अधिकृत और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त संगठनों से मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाओं का प्रदान किया जाता था। तो COT का बेसिकली ये था कि आप गाँव में जाओ, मोबाइल के थ्रू, इन सब के थ्रू आप जागरूकता फैलाओ, है ना, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट खबर है वो एयरक्राफ्ट विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ है। क्या है इसमें हम देख लेते हैं। लोकसभा ने एयरक्राफ्ट विमान अधिनियम 1934 में संशोधन के लिए एयरक्राफ्ट विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसके साथ ही इससे देश में विमान संचालन की सुरक्षा और बचाव के स्तर में भी वृद्धि होगी। अगर हम परीक्षा उपयोगी फैक्ट देखें यहाँ पे तो क्या है कि सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। अभी आते हैं नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट खबर क्या कह रहा है कि ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना लाई गई है। वो योजना क्या है? NAPDDR। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है खासकर परीक्षा के लिए। तो देख लेते हैं इसके डिटेल क्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2018 से 2025 के लिए ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जो NAPDDR है उसे तैयार किया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है। अगर हम NAPDDR की बात करें, यहाँ पे NAPDDR होना चाहिए, इंटर आलिया के तहत गतिविधियों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जागरूकता फैलाने के लिए, समुदाय में कमजोर किशोरों और युवाओं के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी हस्तक्षेप कार्यक्रम, उपचार सुविधाओं का प्रावधान और सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण शामिल है। अगर हम चलिए हम नेक्स्ट खबर पे आते हैं। मणिकरण पावर बना इंडियन गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य। जो ये मणिकरण पावर है ये इंडियन गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य है। इंडियन गैस एक्सचेंज IEX का ही एक पार्ट है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। मणिकरण पावर लिमिटेड यानी MPL जिसे बोलते हैं, इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से प्रख्यात, भारत में गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पहला सदस्य बन गया है। IGX कुछ और नहीं, जैसा कि मैंने बताया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का अंग है। इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड जो है कुशल और टिकाऊ गैस बाजार को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने और देश में गैस व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसके परीक्षा फैक्ट प्लस की बात करें कि क्या जरूरी है, तो यहाँ पे ज़्यादा जरूरी ये है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो MD और CEO हैं वो आपके राजीव श्रीवास्तव हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। तो ये आप एकदम दिमाग में रखिएगा, एक बार नहीं दो बार वीडियो देखिएगा, PDF मिल जाएगी उससे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जो मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट खबर देखते हैं कि आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माणी दिवस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहा है। हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर की बात आया है तो हम यहां पे देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा खबर में रहता है, तो इसके बारे में देखते हैं।
आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसमें भारतीय आयुध कारखाने शामिल हैं, एक औद्योगिक संगठन है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगर हम इसमें परीक्षा उपयोगी फैक्ट की बात करें तो आयुध निर्माणी बोर्ड के जो महानिदेशक हैं वो हरिमोहन जी हैं और OFB की स्थापना 1775 में हुई थी। इसका मुख्यालय अयोध्या भवन कोलकाता में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में अयोध्या भवन में OFB का मुख्यालय स्थित है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी की शुरुआत जो थी वो कोलकाता के कोसीपोर में 18 मार्च 1802 से की गई थी। OFB विश्व का, अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो ये 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण बनाने वाला निकाय है, और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में नंबर 2 पे है, और अगर भारत की बात करें तो भारत में ये नंबर 1 पे है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है, गुजरात में बनाई जाएगी दुनिया की पहली उड़ने वाली पैलबी लिबर्टी, यानी कार है एक जो उड़ने वाली कार होगी, हेलीकॉप्टर मॉडल का है लेकिन ये थोड़ा ट्रेवलिंग में भी यूज किया जाएगा। तो ये बन रहा है, ये गुजरात में बन रहा है। कई बार टीसीएस जैसे पैटर्न में पूछ लेता है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, तो ये खबर रखना यहाँ पे मैं जरूरी समझा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। दुनिया की पहली उड़ने वाली जो कार है पैलबी लिबर्टी, वो गुजरात में बनाई जाएगी, और अगर इसके हम पूरा नाम की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका पर्सनल एयर लैंड व्हीकल बोलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौजूदगी में राज्य के उद्योग प्रधान सचिव MK दास और पैलबी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास के उपाध्यक्ष कार्लो मास बोमेल के बीच ये समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। तो अगर हम परीक्षा फैक्ट प्लस की बात करें तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं ये विजय रूपानी हैं, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। चलिए हम नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है, अदनान जुर्फी इराक के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं। इन्हें जो नामित किए हैं वो राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने इन्हें नामित किया है। अदनान जुर्फी जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये किसकी जगह लेंगे, तो ये अब्देल मेहंदी की जगह लेंगे। अगर हम परीक्षा फैक्ट प्लस की बात करें तो इराक जो है वो पश्चिम एशिया में, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पश्चिम एशिया में स्थित एक जनतांत्रिक देश है, और अगर इतिहास की बात करें तो असीरिया के पतन के बाद विदेशी शक्तियों का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहा था। चलिए हम इसके कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो बगदाद में है, इसकी करेंसी है वो इराकी दिनार है। इराक के इतिहास का आरंभ बेबीलोनिया और उसी में आरंभ हुई कई अन्य सभ्यताओं से भी मानी जाती है। अगर हम यहाँ की मुख्य बोलचाल भाषा की बात करें तो अरबी और कुर्दी है, और ये दोनों भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, अजय कुमार युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं, अजय कुमार नियुक्त हुए हैं युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। संयुक्त सचिव ए अजय कुमार को युगांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पद पे कार्यरत हैं, वे जल्द ही ये कार्यभार संभाल लेंगे। अगर हम ये बात करें कि 19 मार्च का जो दिन है वो भारतीय इतिहास के लिए किस तरह लाभदायक है, तो यहाँ पे 19 मार्च 1972 में भारत बांग्लादेश संधि मैत्री सहयोग और शक्ति एक 25 वर्ष की संधि थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। उस समय 1972 में बांग्लादेश नवगठित ही हुआ था, लड़ाई जब वहाँ पे फ्रीडम उसे मिला था। अभी कल ही हम बात किए थे कल की खबर में कि बांग्लादेश का जो फ्रीडम मिला था वो 1971 में मिला था, है ना, अभी 100वीं वर्षगांठ मनाए थे मोदी जी कल। तो उनके बीच में एक बायलेटरल संधि मैत्री था, उस पर हस्ताक्षर हुआ था, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दोस्ताना रिलेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस था। ये 25 साल की संधि थी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पूछा जा सकता है। कुछ हम और वन लाइनर टाइप में खबर देख लेते हैं। तो अभी ये तो हम देख ही लिए कि जो अदनान जुर्फी हैं वो इराक के राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, और अभी एक बड़ी खबर ये है कि फ्रांस ने एप्पल पे 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है कंपटीशन विरोधी व्यवहार के लिए, प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए। फ्रांस ने किस पे, एप्पल पे 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ए अजय कुमार जो हैं वो उच्चायुक्त नियुक्त हुए कहाँ के, युगांडा के। और अभी हम नेक्स्ट पे आए तो पाटिल पुटप्पा जो हैं राज्यसभा पूर्व सदस्य भी थे, दिग्गज पत्रकार भी थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट खबर पे आए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी एक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस का जो भारत में स्टेज पहुंच चुका है वो क्या है, स्टेज 2 है। जो अभी नेक्स्ट खबर पे आए तो तेजस जो है वो भारत में बने
सबसे हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भर ली है। कौन है वो? तेजस है। नेक्स्ट पे आते हैं तो नेस्कॉम फाउंडेशन ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ क्या किया है? मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है। कौन सा अभियान लॉन्च किया है? इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया एक अभियान है जो लॉन्च किया है कौन कौन? नस्काम और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके किया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने मिलके किया है। कुछ और खबर की बात कर लें तो देख लेते हैं कि अगर हम अंगदान की बात करें, अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है कौन? महाराष्ट्र ने छोड़ दिया है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो मूडीज एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी अनुमानित की गई है? 5.3 अनुमानित की गई है, 5.3%। अगर हम नेक्स्ट खबर की बात करें तो लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, लेकिन कहीं नहीं जाना है आपको, क्योंकि अभी हम 2 मिनट में वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्विज देखेंगे जो परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो देर न करते हुए हम तुरंत आते हैं और क्विज स्टार्ट करते हैं, समय कम ही रहता है। करते हैं, भारत में बने किस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तेजस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नास्कॉम फाउंडेशन ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? तो वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, उन्नत भारत अभियान अस्तित्व में लाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कुछ और होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का दर अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो कितना कर दिया है? 5.3% कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं तो लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति दे दिया है? तो क्या हो जाएगा? 24 सप्ताह हो जाएगा। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर कह रहा है कि इराक के राष्ट्रपति बरहम साले ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी अभी आप पढ़े हो, कौन है वो? अदनान जुर्फी हैं। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? सचिन बंसल को, ए अजय कुमार को, रोहित श्रीवास्तव को कि बीके वशिष्ठ को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए अजय कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बशीर अहमद खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का क्या नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया? तो इनका नाम है पाटिल पुटप्पा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच गया है? तो ये किस स्टेज पे पहुंच गया है? स्टेज 2 पे पहुंच गया है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल यानी कि 20 मार्च को फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर को लेके आपके सामने आएंगे और हम उन सारे डिटेल की बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये आज का आपका करंट अफेयर था। आप लोग ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए, देखिए इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में ही लगा दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ होगी तो डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।